हेलो दोस्तों दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अभी लॉकडाउन चालू है, फिर भी हम लोग अपना स्टडी जो है वहाँ पर अतिरिक्त रहना चाहिए, ठीक है? तो स्टडी रहेगा तभी तो हमारा नॉलेज बढ़ेगा। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो है जीके का, ठीक है? नया क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में। अगर आप चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप लोग सरकारी नौकरी पाने में रुचि रखते हैं या फिर नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए ये चैनल मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर हम सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी हो उसके लिए हम जीके मटेरियल लाते हैं। तो आज का हमारा ये नया वीडियो लेकर आए हैं, उम्मीद करते हैं अगर आपको और जीके का ज्ञान चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर पहला सवाल जो पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है? जो बुक है नेशनल प्लानिंग कमेटी उसका ऑथर यानी कि राइटर कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह एंड ऑप्शन डी सुशीन तेंदुलकर। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू। जो नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो कमेटी जो बुक है उसका जो लेखक है उसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू पर, यहाँ पर पूछा गया है, सॉरी यहाँ पर पूछा गया है, इन विच ईयर वॉज पब्लिश नेशनल प्लानिंग कमेटी बुक, ठीक है? नेशनल प्लानिंग कमेटी बुक जो है वो कौन सी ईयर में पब्लिश किया गया था? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1920 एंड ऑप्शन डी 1922। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी 1938। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आसाम का जो एपीएससी का एग्जाम हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है? अब होते क्वेश्चन नंबर थ्री पर, यहाँ पर हम लोग जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ सार्स, सार्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कंपैरेटिव, ऑप्शन सी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है? ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जी क्वेश्चन है दोस्तों। अब उठे क्वेश्चन नंबर फोर पर, यहाँ पर पूछा गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एन इक्वल म्यूजिक, ठीक है? जो बुक है एन इक्वल म्यूजिक उसका ऑथर कौन है यानी कि राइटर कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए विमल कुमार, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ठीक है? विक्रम सेठ। अब उठे क्वेश्चन नंबर फाइव पर, यहाँ पर पूछा गया है इन हुज डे सेलिब्रेटेड बाय द डाटा प्रोटेक्शन डे, ठीक है? वो कौन सा दिन है जिस दिन को डाटा प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 13 जनवरी, ऑप्शन डी 28 जनवरी। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी 28 जनवरी, ठीक है? 28 जनवरी को डाटा प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जीके क्वेश्चन है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर एक बार शेयर करना क्योंकि इन्फॉर्मेशन सही होना चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास सही होगी तो ही आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, ठीक है? अब उठे क्वेश्चन नंबर सिक्स पर, यहाँ पर पूछा गया है हु रोड द बुक वी द पीपल, ठीक है? वी द पीपल नाम का जो ये किताब है बुक है इसको किसने लिखा था? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी नानिया पलके वाला। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी नानिया पलके वाला, ठीक है? इस क्वेश्चन को आसाम का जो APSC का एग्जाम हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। अब होता है क्वेश्चन नंबर सेवन पर, यहाँ पर पूछा गया है वर्ल्ड जोन डे इज ऑब्जर्व ऑन, ठीक है? कौन से दिन में वर्ल्ड जोन डे मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 11
सितंबर ऑप्शन सी, 22 सितंबर ने ऑप्शन डी, 25 सितंबर। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर। 16 सितंबर को वर्ल्ड जोन डे मनाया जाता है दोस्तों। ये भी एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रेलवे में देखा गया था दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को रेलवे में देखा गया था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर पूछा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ NIA, ठीक है। जो NIA नेशनल, NIA का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं एक मेरा जो दूसरा वीडियो है वहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी मैं दे दूँगा, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ NIA, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। NIA का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। यहाँ पर सवाल वो नहीं है, सवाल थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ NIA, NIA जो है उसका न्यू चीफ कौन है, मुख्य कार्यवाही कौन है। ऑप्शन ए के वेणुगोपाल, ऑप्शन बी MR कुमार, ऑप्शन सी पंकज कुमार एंड ऑप्शन डी YC मोदी। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी YC मोदी, ठीक है दोस्तों। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग से भी अलग तरीके से आ सकता है। वो कैसे आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग पहले सुन लीजिए। और तो फुल फॉर्म ऑफ NIA, NIA का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर पूछा गया है व्हिच कंट्रीज हैव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस, ठीक है। कौन सा देश है जो हाईएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा राइस खाद्य सामग्री प्रोडक्शन करता है यानी कि उत्पादन करता है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी इंडिया। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी चाइना, ठीक है चाइना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है कोल माइन नेशनलाइज इन देश। ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1972 एंड ऑप्शन डी 1990। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी कोल माइंस नेशनलाइज इन देश, ठीक है। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है 1972। दोस्तों आज का जीके का जो सीरीज है वो इस 10 क्वेश्चन में ही है था। तो कल मैं एक और नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तब तक खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपने फैमिली का ख्याल जरूर रखिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।